दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच मामले पर सुनवाई कर सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी कि एलजी का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। केजरीवाल सरकार ने 30 जून को कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती दी थी। आपने याचिका में कहा था, केंद्र की ओर से लाया गया अध्यादेश असंवैधानिक है जो संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को रद्द करने और उस पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की है। पहली सुनवाई 4 जुलाई को हुई थी, तब कोर्ट ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया था। 6 जुलाई को सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट से मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार ने ऑर्डिनेंस को असंवैधानिक बताया था। केंद्र के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पिछली सुनवाई में एलजी और केंद्र को नोटिस जारी किया गया था। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है दिल्ली से हमारी संवाददाता ज्योति सिंह। ज्योति, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल आशीष, देखिए दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे को लेकर देखिए लगातार ही दिल्ली में जो सियासत है देखिए वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले देखिए दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री की बात करें तो देखिए अरविंद केजरीवाल लगातार ही विपक्षी के सभी दलों के जो नेता थे, जो लीडर्स थे, देखिए उनसे मिलकर इसके सपोर्ट मांगते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अभी देखिए एक बार फिर से दिल्ली सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और देखिए इसी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है और देखिए आज क्या फैसला रहता है सुप्रीम कोर्ट का। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिल्ली सरकार के सपोर्ट में सुनाया था तो देखिए ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से अध्यादेश जारी करके वापस से जो पावर्स जो थी वो एलजी के हाथ में दे दी थी और इसी के खिलाफ देखिए अरविंद केजरीवाल लगातार जो है सड़क पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे और इसके अलावा देखिए सभी अपोजिशन लीडर्स से हेल्प भी मांगते हुए दिखाई दे रहे थे और देखिए ये इसी की गूंज जो है वो आने वाले मॉनसून जो सेशन है देखिए उसमें भी सुनाई देगी। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो देखिए अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर जो अध्यादेश जारी किया गया था उसी के अगेंस्ट में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई के उस फैसले को पलट कर देखिए जिस तरीके से अध्यादेश केंद्र सरकार ने जारी किया था अब उसी फैसले को चुनौती देते हुए अध्यादेश को देखिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है आम आदमी पार्टी ने और आज देखिए उसी को लेकर दोपहर को ये सुनवाई होनी है। अब देखिए सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है, क्या ये अध्यादेश आगे इसी तरीके से जारी रहेगा या फिर एक नई तारीख आम आदमी पार्टी को मिलेगी या फिर अध्यादेश को वहीं पर रोक दिया जाएगा। तो देखिए इन तमाम सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिलेंगे जब सुनवाई पूरी कर ली जाएगी। फिलहाल देखिए अरविंद केजरीवाल के तेवर जो है वो अब बहुत ही ज्यादा तीखे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पूरी तरीके से हमला जो है लगातार आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ बोलती हुई दिखाई दे रही है, फिर चाहे वो रैली के जरिए हो चाहे फिर वो सड़क के जरिए हो और अब आने वाले मॉनसून सेशन में भी इस अध्यादेश की गूंज जो है वो सुनाई देगी क्योंकि देखिए 15 से ज्यादा दलों का समर्थन जो है अरविंद केजरीवाल को मिल चुका है। कांग्रेस को छोड़ के देखिए लगभग बाकी सारे दल जो है अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा इस पे सभी की निगाह टिकी हुई है आशीष। बिल्कुल ज्योति, जिस प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है तो वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले चुका है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा चुका है तो क्या कोर्ट की जो कार्रवाई है उस पर भरोसा नहीं है?
बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जो है अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के समर्थन में ही देखिए जो जो पावर्स थी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की, वो दिल्ली सरकार को ही दी थी। ऐसे में एलजी के हाथ में कोई भी पावर्स नहीं दी थी। लेकिन देखिए, केंद्र सरकार की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट कर अध्यादेश लाना, इसी का जो विरोध है देखिए आम आदमी पार्टी कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार को भरोसा नहीं है, इसीलिए अध्यादेश जारी करते हुए फिर से अधिकारियों की जो पोस्टिंग थी, जो ट्रांसफर थी, वो पावर्स जो है एलजी के हाथ में दे दी। और देखिए, दिल्ली में हम स्टार्टिंग से बात करें तो एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में स्टार्टिंग से ही देखिए घमासान देखने को मिला है। फिर चाहे वो अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो या फिर दिल्ली सरकार के अधीन में जो आने वाली कई ऐसी पावर्स हैं, देखिए उनको लेकर लगातार ही दोनों ही लोगों के बीच में देखिए घमासान देखने को मिलता रहा है। और ऐसे में देखिए बहुत बड़ा सवाल ये तब उठा था जब अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया था। और देखिए आज पूरे मामले की सुनवाई जो है फिर से हो सकती है। हो सकता है देखिए सुप्रीम कोर्ट ये भी सवाल केंद्र सरकार से पूछे कि क्या अध्यादेश जब आपने जारी किया तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपको भरोसा नहीं था। लेकिन ये जब सुनवाई पूरी होगी उसके बाद क्या कुछ रहा कोर्ट में, ये उसके बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन फिलहाल देखिए आज ही कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है और क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी आशीष जी। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह, जिन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है जहां पर केंद्र सरकार और एलजी से भी जवाब मांगा गया है।